Assalamualaikum viewers and welcome back to Nestle Milk Pack Kitchen. आज का एपिसोड स्पेशली मैं लेकर आई हूँ मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे रोज़ेदारों के लिए, जो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं या हमारे यंग लोग भी आजकल ये चीज़ें पसंद करते हैं. तो स्पेशली मैंने आज का शो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है. तो जल्दी से पेपर पेन लीजिए या फिर मेरे टीवी ऑन करते ही आप लोग किचन में चले जाइए और ये ड्रिंक मेरे साथ बनाइए. आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसी कौन सी ड्रिंक बना रही हूँ जो मैं स्पेशली अपने छोटे फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ. आज मैं बनाने जा रही हूँ किटकैट मिल्क शेक. आ गया ना मुँह में पानी, मेरे मुँह में ही पानी आ रहा है. मुझे खुद किटकैट मिल्क शेक बहुत पसंद है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी स्मूदी क्रीमी. ऑफ कोर्स इसमें मिल्क पैक नेस्ले का जो है वो दूध डलेगा और इसमें किटकैट होगी, बहुत सारी चॉकलेट्स होगी और आइसक्रीम डलेगी. आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं. इसमें कोई ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं है, सिर्फ आपको इसके लिए चाहिए किटकैट के मैंने यहाँ पे दो बार्स लिए हैं बड़े वाले, ठीक है. और आइसक्रीम चाहिए वनीला आइसक्रीम. नेस्ले मिल्क पैक का हमें दूध चाहिए जो कि 100% प्योर काउ से बना है और तमाम प्रिजर्वेटिव से, हार्मफुल केमिकल से पाक है. बहुत ही क्रीमी है, गाढ़ा है और बच्चों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है. यहाँ पे मैंने किटकैट के थोड़े चंक्स काट लिए हैं. मैं किटकैट को यहाँ पे काट रही हूँ, आप लोग भी काटना शुरू कर दीजिए साथ के साथ. किटकैट तो घर में होगी. ये देखिए किटकैट के इतने आप चंक्स काट लीजिए ताकि ये ईजीली ब्लेंड हो जाए. आइसक्रीम ले लेते हैं हम यहाँ पे, अपने ब्लेंडर की तरफ आ गए हैं. मैंने यहाँ पे ब्लेंडर खोला, इसमें हम डालेंगे 2 scoops ऑफ वैनिला आइसक्रीम. इसमें जाएगी किटकैट. आप इसमें आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत चिल्ड लेना चाहते हैं. हमारी आइसक्रीम ऑलरेडी चिल्ड है, हमारा नेस्ले मिल्क पैक दूध जो है वो भी चिल्ड है, तो मेरे लिए यही काफ़ी है. इसमें हम डालेंगे 1 cup नेस्ले मिल्क पैक का दूध. गाढ़ा है, बहुत ही रिच है, क्रीमी है, ताकतवर है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. आप लोग यूज़ करिए, आपकी एक हेल्दी ड्रिंक रेडी हो रही है. 1 cup आपने डाला इसमें नेस्ले मिल्क पैक दूध और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड. आप इसको इतना ब्लेंड कीजिएगा कि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट टाइप का बन जाए, इसकी किटकैट जो है उसके क्रम्स या उसके पीसेस ना रहें, बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड हो जाए. मैं इसको एक दफ़ा और ब्लेंड करूँगी. एंड दिस इज इट, हियर वी गो. इसको ग्लास में निकालेंगे. आप देख सकते हैं ये देखिए इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है. आई लव इट. आप लोगों ने प्रॉमिस करना है मुझसे कि आप लोग ये लाजमी आज ट्राई करेंगे और अपने कमेंट ज़रूर हमारे साथ हमारे नेस्ले के पेज पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे शेयर करेंगे. ये देखिए मैंने शेक को ग्लास में निकाल लिया है. नेस्ले मिल्क पैक यूज़ करिए, इसमें ये बहुत ही खालिस दूध है क्योंकि इसमें कैल्शियम है, इसमें प्रोटीन है, इसमें मिनरल है और ये हमें एक गुड क्वालिटी मिल्क फ्राहम करता है. नेस्ले मिल्क पैक आप लोगों को पता है 35 ईयर से पाकिस्तान में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहा है. इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए अपने घरों में, अपनी फैमिली में. अगर आप चाहते हैं कि आप सेहत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो आप नेस्ले के प्रोडक्ट्स लेके आएँ. नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट, नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम और नेस्ले का दूध. ये देखिए इसको हमने किटकैट से गार्निश किया और यम्मी सी हमारी किटकैट मिल्क शेक रेडी हो गई है. कितना क्रीमी टेक्सचर आ रहा है इसका, सिर्फ और सिर्फ हमने खालिस दूध का इस्तेमाल किया है इसलिए इसका इतना क्रीमी टेक्सचर आ रहा है. तो आप भी नो सेहत से कॉम्प्रोमाइज़, ओनली यूज़ नेस्ले मिल्क पैक. थिंग्स इसी के साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगी. टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी. टिल देन खुदा हाफिज़.